इस सोलर बोर्ड का डिजाइन एलजी कोरिया ने किया है और पुणे यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट ने इसको उपलब्ध कराया है। ये एक रेडीमेड किट है और जिससे एक बहुत ही सुंदर सोलर बोर्ड बनती है। यहाँ पर एक सोलर पैनल है जो एक मोटर और वर्म गियर के साथ में लगा है। जब छांव आ जाती है तो मोटर रुक जाता है, जब सोलर पैनल धूप में होता है तो वो चलता है। आप मोटर को उसकी प्लास्टिक की माउंट के अंदर फिट करें, मोटर में एक वर्म गियर लगा है और ये उसका सोलर पैनल है और ये हाई डेंसिटी स्टायरोफोम की बॉडी है जिसमें ये दोनों सपोर्ट हैं जिनके बीच में एक छेद है जिसमें एक्सल आएगी। ये एक पायलट है और यहाँ पर एक स्टैंड है जिसका आप कोण एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मोटर को स्टायरोफोम बॉडी में फिट कीजिए और सोलर पैनल को उसके स्टैंड पे लगाइए। उसके बाद में बीच की एक्सल लगाइए। इसके दोनों सिरों पे एक एक पैडल है जो घूमेंगे और बीच में एक गियर है। अब देखिए आपकी सोलर बोट लगभग तैयार है। अगर इसको आप धूप में रखेंगे तो धूप सोलर पैनल पे पड़ेगी और आप इस सोलर पैनल का कोण को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो हमेशा धूप के ओरिएंटेशन में रहे। धूप में सोलर पैनल बिजली बनाएगा, मोटर चलेगा, वर्म गियर पैडल को घुमाएगा और उससे नाव आगे चलेगी। और जब छांव आ जाएगी पैनल के ऊपर तो करंट बनना बंद हो जाएगा और रुक जाएगी बोट। अब इस चलती हुई बोट को आप एक पानी से भरे टब के अंदर रखें। सोलर पैनल बिजली पैदा करेगा और नाव आगे बढ़ेगी और जब सोलर पैनल के ऊपर छांव आ जाएगी तो एकदम नाव रुक जाएगी, फिर धूप आएगी, फिर करंट बनेगा, मोटर चलेगा, वर्म गियर घूमेगा, बीच का गियर घुमाएगा, उससे दोनों पैडल घूमेंगे और नाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। आप एक बार दोबारा देखिए, जैसे ही पैनल के ऊपर छांव पड़ेगी करंट बनना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर मॉडल है कि किस तरह से सूर्य की ऊर्जा से हम एक नाव को चला सकते हैं।